तो सबसे पहले उन सभी स्टूडेंट्स का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने इस कोर्स को खरीदा है अपना यूट्यूब चैनल बनाने के लिए। तो चलिए, ये हमारे इस कोर्स का पहला लेक्चर है और इस कोर्स के पहले लेक्चर में हम बताने वाले हैं आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में, जो आपको अच्छा वीडियो बनाने के लिए चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक बार फिर से उन सभी स्टूडेंट्स को वेलकम करना चाहूँगा जिन्होंने इस कोर्स को खरीदा। चलिए बढ़ते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। तो यहाँ पे आपको तीन सॉफ्टवेयर दिख रहे हैं। तो सबसे पहला सॉफ्टवेयर जो आपको चाहिए वो आपको हर एक पीसी और लैपटॉप में मिल जाएगा, इवन मोबाइल में भी मिल जाएगा, वो है आपका एमएस पावर पॉइंट, ठीक है। दूसरा सॉफ्टवेयर जो आपको चाहिए, देखिए जो आप वीडियो बनाओगे, प्रेजेंटेशन बनाओगे, उसको रिकॉर्ड करोगे और वही वीडियो आप जो है स्टूडेंट्स को दिखाओगे, तो वो रिकॉर्ड कैसे होंगे हमारी स्क्रीन लैपटॉप की। तो उसके लिए चाहिए हमें सॉफ्टवेयर जिसका नाम है OBS, जो आपको सेकेंड नंबर पर दिख रहा है, ओपन ब्रॉडकास्टर सॉफ्टवेयर। कैसे लेना है, कैसे इंस्टॉल करना है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तीसरा है कैमटेशिया सॉफ्टवेयर, ये भी आपका स्क्रीन रिकॉर्डर है। तो मैं यूज़ करता हूँ, जिससे मैंने लगभग 350+ वीडियो बना चुका हूँ, वो है आपका कैमटेशिया सॉफ्टवेयर। कहाँ से लेना है, कैसे सेटअप करना है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, ठीक है। तो तीन सॉफ्टवेयर आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए एमएस पावर पॉइंट के आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि कौन सा वर्जन चलेगा, तो कोई सा भी वर्जन चल सकता है आपका, 2007 से लेके 2016 तक कोई सा भी वर्जन आप एमएस ऑफिस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट बढ़ते हैं हम हार्डवेयर की तरफ। देखिए सबसे पहले आपको चाहिए एक पीसी या फिर लैपटॉप। जी आपने सही सुना, यदि आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो आपको एक नॉर्मल क्वालिटी का, ये नहीं कहूंगा कि आपको बिल्कुल हाई फाई क्वालिटी का महंगा पीसी या फिर महंगा लैपटॉप चाहिए, कोई भी एक नॉर्मल लैपटॉप जो आपके घर में होगा, कोई भी एक नॉर्मल पीसी जो आपके घर में होगा वो आपको चाहिए, ठीक है। दूसरा हार्डवेयर, दूसरे नंबर पे आप ये देख रहे हो एक टैबलेट जिसके नीचे पेन पड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं वॉकॉम टैबलेट। जी हाँ, ये आपको चाहिए। देखिए आपने देखा होगा, देखिए क्या होता है कि जब आप पढ़ाते हैं, ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर लिखा जाता है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे आप लिख के बताओगे ना स्टूडेंट को, देखिए जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने साइन कर दिए मेरे, तो ये सारी चीज़ें आप क्वेश्चन सोल्व करके दिखाओगे स्टूडेंट को, ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर, ठीक है, ऐसे। तो ये चीज़ जो आप डेस्कटॉप के ऊपर लिख रहे हो, स्क्रीन के ऊपर कैसे लिख रहे हो, तो ये आप इस टैबलेट की मदद से लिख रहे हो। देखिए अंडरलाइन करना है, ठीक है, समझाना है, ओके। और क्या होता है कि हम जैसे कलर चेंज करते हैं, वही कलर जैसे रेड नहीं तो हमें ये ब्लू कलर चाहिए, तो ऐसे कैसे लिखोगे आप ये सारी चीज़ें, तो ये किसकी मदद से लिखोगे आप, इसी टैबलेट की मदद से लिखोगे। इसको सेटअप कैसे करना है, इसके लिए एक अलग से लेक्चर बनेगा, ठीक है, ठीक है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो आपको सॉफ्टवेयर कहाँ से लेने हैं, फिर उसके बाद मैं ये टैबलेट सेटअप करके बताऊंगा पूरी कि आपको सेटअप कैसे करनी है, ठीक है। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट हार्डवेयर है दोस्तों, नोट कर लीजिए हमारा, वो है माइक। देखिए मार्केट में से तो बहुत तरह के माइक हैं, ठीक है, आपको 200 रुपये से लेके इवन 1 लाख रुपये तक के माइक मिल जाएंगे, लेकिन आपको बीच का रास्ता निकालना है, कोई अच्छा बजट, आपको ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। मैं आपको एक छोटा सा माइक बता रहा हूँ जो आपको 1000-1200 रुपये में मिल जाएगा। इस माइक के साथ मैं लगभग 300 से ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ अपने यूट्यूब की, और इसका नाम है बोया माइक। ये टैबलेट प्लस और ये माइक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। यही वाले टैबलेट खरीदना और यही वाला माइक खरीदना, इसके अलावा और कोई सी टैबलेट मत खरीदना और कोई सा माइक मत खरीदना। यदि आप खरीदते हो और सेटअप नहीं कर पाते हो, क्वालिटी अच्छी नहीं आती है, तो उसका जिम्मेवार प्लीज़ मुझे मत मानिएगा, ठीक है। तो यही टैबलेट और यही माइक आपको खरीदना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिक्वायरमेंट आपको पता चल गई। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि जो सॉफ्टवेयर हैं वो हमें कहाँ से लेने हैं और उनको कैसे सेटअप करना है।